हम यहाँ पे आज बनाएंगे सूजी और मटर से नई रेसिपी। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें हम एक कप सूजी डाल देंगे, आधा कप दही डाल देंगे, और एक चम्मच नमक, और इसे हम मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब हम कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे हम गरम कर लेंगे। अब गरम हो चुका है। अब हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे हल्का सा भून लेंगे। और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसे हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें हरा मटर डाल देंगे। ये मटर कच्चा है। अब इसे मिला लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम मिलाते हुए सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। हम इसे ढक करके 2 मिनट पका लेंगे। ये 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम मिलाते हुए मसाला डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हल्का भून जाने पर अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम भुने हुए मटर डाल देंगे। इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब इसे ढक करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड कर लिए हैं। 10 मिनट हो चुका है। अब इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अभी हार्ड है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिलाते जाएंगे। एक बार पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसे एक बैटर तैयार करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा रखना है। इसे हम मीडियम में रखेंगे इस तरह करके। अब ये बैटर तैयार है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तवे को गरम कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे हम ग्रीस कर लेंगे। इसे ग्रीस कर लिए हैं। अब इसमें हम बने हुए बैटर को डालेंगे और इसे हम धीरे से फैलाएंगे, इस तरह करके फैला लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए हमने इसे फैला लिए हैं। अब हम इसके ऊपर
मटर का बना हुआ स्टफिंग डाल देंगे और इसे भी धीरे धीरे करके फैला लेंगे ताकि सूजी के अंदर ही रहे। फिर इसे हम सूजी का बैटर बना हुआ ऊपर से डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे। हम इसे अच्छी तरह से ढक देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। देखिए हमने इसे कवर कर दिए हैं। अब हम चारों बगल से ऑयल लगा देंगे और इसे हम ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए। गैस को हम लो ही रखेंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम हल्का से पलट देंगे। हमने इसे पलट दिए हैं। अब इसे हम फिर लगभग 1 मिनट सेकने देंगे और इसे हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे। और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे ब्राउन होने तक। हमने इसे सेक लिए हैं ब्राउन होने तक। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसी तरह करके दूसरे वाले को भी बना लेंगे। हमने इसे बना लिए हैं। आप अपने घर में इस रेसिपी को एक बार बना कर ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।